चंदा के सिद्के श्रोताओ महाभारत सुनवाएंगे, महाभारत सुनवाएंगे। करण की इंद्र वज्र शक्ति से घटो तक्ष मरवाएंगे। मन भावन संगीत हमारे दादा रिसाल बजाएंगे, दादा रिसाल बजाएंगे। कोशिंदर महर्षि पाल तुम्हें नई नई तरज सुनाएंगे। चंदा केसिट के प्रेमी श्रोताओं, पेश है करण और अर्जुन युद्ध। जी हाँ, करण और अर्जुन युद्ध। मेहरबानों, गुरु द्रोण के मरने से कौरव दल में हाहाकार मच गया। दुर्योधन को चिंता होने लगी आगे क्या होगा। मेहरबानों, शिविर में बैठे हुए शाम के वक्त दुर्योधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सेनापति बनेगा हमारी तरफ से। मेहरबानों, फिर क्या था। करण के लिए कह दिया कि कल के युद्ध में करण को सेनापति बनाया जाएगा। मेहरबानों, क्या हालत थी दुर्योधन की, सुनिए। उस करण बलि न दुर्योधन की आख्या में देखा पानी, मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहूं मन मानी। करण बलि न दुर्योधन की आख्या में देखा पानी, मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहू मन मानी, करनी चाहू मन मानी। चाहे जिंदगानी मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहूं मन मानी, करनी चाहूं मन मानी। आया पूरे नायर मान हुए नू
चाहिए मने सारथी करनी चाहूं मन मानी करनी चाहूं छत्राणी का जाम नहीं मैं छत्री का जो धरा तीर ते ना छानी मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहूं मन मानी करण बलि नदरी यो धन कवताई रे ब्रजपाल सिंह कवताई महाभारत की लिखते ज्ञानी मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहूं मन मानी करण बलि नदरी योधन की आख्या में देखा पानी मिलना चाहिए मन सारथी करनी चाहूं मन मानी करनी चाहूं मन फिर क्या था साथियों करण आज सेनापति बन गए और करण के अरमान थे कि मैं रणभूमि में लड़ाई लड़ूं और वो भी अर्जुन के सामने। मेहरबानों करण ने कहा कि अगर कृष्ण जैसा मुझे सारथी मिल गया तो मैं पांडवों के छक्के छुड़ा दूंगा और अवश्य महाभारत के मैदान में दुर्योधन हमारी विजय होगी। मेहरबानों कैसे भला समुंदर में किश्तियां डूब जाती हैं, बड़ी मुश्किल से वो उभर पाती हैं। पूछना हो तो पूछो गमे इन साहिलों से, निकली हुई घड़ी बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। लेकिन दुर्योधन काश तेरी तस्वीर भी मेरे पास होती, फिर मैं तेरी यहां तलाश न करता। गर आते न तुम मेरी आवाज पर, सच कहता हूं कि मैं प्यास में न मरता और आज तेरी चाहत पूरी करूंगा। मैं करण का सारथी बनूंगा, लेकिन याद रखना कि करण अपनी जिद ना करने लगे, जिधर के लिए मैं सब को ले जाऊं करण कहीं मेरी बेइज्जत ना कर दे। क्यों के रिश्ते में मैं उसका मामा लगता हूं और मैं भी लड़ाकू जवान हूं, करण तो मुझसे कहीं कम जानता है। मेहरबानों बला कैसे
अरे मामा जी कहूं हाथ जोड़ के ओ मत ना करिए फिकर भाणजे राखूंगा सम्मान तेरा। मत ना करिए फिकर भाणजे राखूंगा सम्मान तेरा। तेरा मामा जी कहूं हाथ जोड़ के आज राखियो मान मेरा। मत ना करिए फिकर भाणजे रखूंगा सम्मान तेरा। जानबूझ के आज भाणजे मने मान रहा तू पाली। अरे मामा मदद करो मेरी ओ घड़ी नहीं जागी डाली। तेरे दुख ने देख सल भी आज बदल दे परनाली। रख हाकूं आगे मालिक भगवान तेरा। रणभूमि में मानेगा संसार कदी। अरे थारे होते हुए इबलो मामा देखी ना हार कदी। तने ना देखा अपने समी पांडो ते मेरा प्यार कदी।
सच्ची बात आ गई मन में, तुमने गोद खिलाया मैं अरे प्यार करया बालकपन में, पछली याद दिवावे मत मेरे लहू झलक रहा सैतन में। अच्छा बैठे अपमान मेरा, सजी हुई सेना सारी। अरे रहना तुम होशियार कृष्ण ते वो छलिया नाटक धारी, मेरे समी रथ के उसे जीव मानूंगा गिरधारी। मंजूर किस्मत को न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी क्या थी नजारों की। हमारे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े सारथी हैं, और अब तो करण सेनापति बन गया और मनमानी करण की हो गई, मन चाहे सारथी मिल गई। मामा सल मेरे मेहरबान, ये खबर जब पांडवों में पहुंची तो भगवान कृष्ण चकरा जाते हैं, रहस्य में घूमने लगे। क्यों? कर्ण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण, वो ऐसी शक्ति थी कि जिनमें 5 पांडवों के प्राण थे। मेहरबानो, बस फिर तो श्री कृष्ण इस तरह से धर्मराज से कहने लगे। सिंभड़ के बोले
कृष्ण मुरार निश्चित होनी थारी हार सल बने सारथी यार करण बने हैं सेनापति वीर अर्जुन नहीं बच पावे कछु हम के बोले कृष्ण मुरार निश्चित होनी थारी हार सल बने सारथी सारथी यार करण बने हैं सेनापति वीर अर्जुन नहीं बच पावे कछु सकती मौत नहीं अर्जुन की रुकती धर्म बनाओ कोई ऐसी युक्ति पांडों की जो हो जा मुक्ति अर्जुन नहीं बच पावे कछु मां कुंती को भेजो करण पे करण सदा अपने धर्म पे मां कुंती को भेजो करण पे करण रटा रहे अपने परण पे दानी नहीं उस जैसा धरण पे खाली ना लौटे जो जाता शरण पे बना सेना नायक दुर्योधन का साचा पायक कल बन जा जादा दुखदायक रात से बाकी थारे नायक भेजी ना कुंती तो पाछे पछताओगे फिर पाछ भाई नहीं तम बच कारण बने हैं सेनापति वीर अर्जुन नहीं बच पावे कछु सिंभल के बोले कृष्ण मुरार निश्चित होनी थारी हार सल बने सारथी सारथी यार कारण बने हैं सेनापति वीर अर्जुन नहीं बच पावे कछु
का जाना, उन तीने जाके समझाना, बेहतर रहेगा कुंती का जाना, कुंती को जाके समझाना, पांच बाण उन पांचों लाना, बाण दान में पांचों लाना, फिर चंदा के सिट में गाना। करण बने हैं सेनापति जी, अर्जुन ही बच पावे कती, हम के बोले कृष्ण मुरार, निश्चित होनी थारी हार, सल बने सारथी सारथी यार, करण बने हैं सेनापति जी, अर्जुन ही बच पावे कती। साथियों, धर्मधिष्ठिर ने जब कृष्ण कन्हैया की बात सुनी तो एकदम से मां कुंती के पास पहुंच गए। कहने लगे, री मां, आज तेरे से काम पड़ गया, और अगर तैने वो काम नहीं किया मां, तो तू अपने पुत्रों को जिंदा नहीं देखेगी। क्यों? कर्ण के पास परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, जिनमें हमारी जान छिपी हुई है, तू उन्हें दान में ले आ। मेहरबानो, भला कैसे? कुंती राही टोह लेती है कर्ण के पास जाने की, और पहुंच ही क्यों ना गई कर्ण के पास। मेहरबानो, भला कैसे? हैरत में पड़ जाता है कर्ण। देख मन खुशी हुई के भूल गई सराही, आज करण मेरे लाल यो कुंती तने मनावण आई। तने देख मन खुशी हुई के अच्छा? भूल गई सराही। अरे आज करण मेरे लाल कुंती तने मनावण आई। तने देख मन खुशी हुई। मां तेरे पैसे कौन सी पिता पड़ गई जो तेरे पास में आ गई। हाँ, आज करण अगर तू मेरी बात मान ले तो तुझे मेरी पिता का बेरा पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ सारा हाल बता देगा। चेहरे की लाली झड़री के रतन रेत में रल गयो। सो समझिए करण सगे भाइयों के सामने भिड़ जा। लड़ रियादरियो धन की ओढ़ ते भारी इज्जत पाई। अरे बाकी बात मानिए बेटा कर दे बंद लड़ाई। खिलाया लोक लिहाज की खातर बेटा जल में मने बहाया।
जन्म तलक आज तलक क्यों याद नहीं मैं आया रही अभागन मात लाल जस की तू कोख का जाया क्यों पहले मिलना ना चाहा कैसी तू किसकी माई अरे मैं माता तू पूत मेरा तेरे मोह ने घनी सताई तने देख मन खुशी हुई के भूल गई से राही आज करण मेरे लाल अपनती तने मनावन आई जनके में तन जल में गेरा के तन धर्म करया से दुखी आत्मा रही तेरे बन मन ने दुख भरया से तेरी जान जिंदा ना जग में जानिए करण मरया से कर दे माफ करण मन ने घना सर पे पाप धरया से हृदय नहीं डरया से तेरा मां हिरदा नहीं डरा से तेरा माँ बनगी बकर कसाई तेरा 9 महीने का कर्ज तेरे पे तू ममता बसराई तने देख मन खुशी हुई के भूल गई सराही आज धकरण में हे पे बेटा तने मनावण आई किसकी माँ मने पछली याद नहीं से मात पिता बिन दुनिया में होती औलाद नहीं से कोशिंदर बिन गुरु शिष्य की हो इमदाद नहीं से ऋषि पाल गंगा जल में भी होती गाद नहीं से के तेरी फरियाद तने ना के तेरी फरियाद तने ना मन की बात बताई पाचो पांडव और करण तम छेओ भाई भाई तने देख मन खुशी हुई के भूल गई सराही आज करण मेरे लाल कुंती तने मनावण आई तने देख मन खुशी हुई निगाहों से ओझल हो गई थी निगाहों से ओझल हो गई थी तू माँ उस मोड़ पर फिर भी इन कलियों से मैंने तुम्हारा हाल पूछा है मेहरबानो करण ने कहा माँ तेरा सत्कार है लेकिन मुझे ये बता दे कि मैं कैसे तेरी औलाद हूं और तू कैसे मेरी माता है मेहरबानों का कुंती ने सारा हाल बताया बेटा तू सूर्य पुत्र है मैं जब कुआरी थी लोक लिहाज और भय की वजह से मैंने तुझे बंद पिटारे में दरिया में बहा दिया था दोस्तों कहने लगा करण मां आज मेरे से क्या काम पड़ गया कहने लगे बेटे मैं कुछ दान लेने के लिए आई हूं पांचों पांडव और तू भाई भाई हो भला कैसे
अरे कुंती माँ, यो कुंती माँ तेरे ना आई पहचान में, मांगने आई आज करण कुछ दान में। हाँ कुंती माँ तेरे ना आई पहचान में, मांगने आई आज करण कुछ दान।
करण कुछ दान में। मेरी राहों में माता जी, मेरी राहों में बहारों के गुलसिता खिल जाते। अगर तू पहले मिल गई होती तो हम छहों भाई आपस में मिल जाते। मेहरबानों, करण के तन बदन में आग लग गई कि मैं छत्राणी से पैदा हूं, लेकिन ममता तैने मुझे पहले नहीं बताया। मुझे तो दुनिया नीच करण के नाम से बखान करती है। भला दोस्तों, कैसे करण कहने लगा? अरे सुन माता के बोले एकदम, क्रोध जाग गया तन में। छत्राणी ते जन्म मेरा कहे लाया नीच करण में। सुन माता के बोले एकदम, क्रोध जाग गया तन में। छत्राणी ते जन्म मेरा कहे लाया नीच करण। छोटू काम पड़ाया धबारी में, चाली जा चुप जा
साथ लड़ूंगा, दुर्योधन के साथ लड़ूंगा, पूरे करूं प्राण छत्राणी ते जन्म मेरा कह लाया नीच करण में। सुन माता के बोल ये कदम क्रोध जाग जाता न में, छत्राणी ते जन्म मेरा कह लाया नीच करण। बेटे करण, शाम के साय में कभी तू न ढलना, शाम के साय में कभी तू न ढलना, मैं हूं यहां कहूंगी तुझे अपना, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन बेटे पूरा करूंगी मैं तेरा हर सपना। मेहरबानो कहने लगी, करण तू मेरी औलाद है और तू दानी है, इसलिए मैं आज तेरे पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण दान में मांगने के लिए आई हूं। बेटा अगर तू दानी है और 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा है, अगर उसका कर्ज भार तू उतारेगा तो मुझे परशुराम के दिए हुए 5 बाण दे दे। और सुन, तू मेरा ही बेटा है। अपनी पाप कहानियां, अपनी पाप कहानियां, तू लाल मेरा बन काल मेरा, हाय हाय तान तक मानिया, तन मैं सुनाऊं बार बार मैं समझाऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं बेटा, अपनी पाप कहानियां, अपनी पाप कहानियां।
बहन में पिता की निशानियां कने सुनाऊं बार बार समझाऊं कैसे कैसे मैं बताऊं बेटा अपनी पाप कहानियां अपनी पाप कहानियां तू लाल मेरा बन काल मेरा हाय ताल ता कमानियां कने सुनाऊं बार बार समझाऊं कैसे कैसे मैं बताऊं बेटा अपनी पाप कहानियां अपनी पाप कहानियां खुशी मनाई है और लेकर पांचों बाण में माता निज डेरे में आई है कुंडल कवच थे गैस रोक के इंद्रदेव ने मांगे आन बद्ध शक्ति बदले में देख के उड़ गए बैठ हवाई यान मेहरबानों सुबह होते ही दोनों सेना रणभूमि में आई थी जंगी बाजे बजन लगे होने लगी लड़ाई थी बता दूं बात तने सा
से मैं बताऊं बेटा अपनी पाप कहानियां, अपनी पाप कहानियां। तू लाल मेरा बन काल मेरा रहा है तान ता कमानियां। तने सुनाऊं बार बार समझाऊं कैसे कैसे मैं बताऊं बेटा अपनी पाप कहानियां, अपनी पाप कहानियां। अपनी पाप कहानियां, अपनी पाप कहानियां।